बारिश के चलते उपमंडल सगड़ा में शुरू हुई कड़ाके की ठंड। चूरधार व उपमंडल के ऊपरी हिस्सों में हिमपात की संभावना। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते उपमंडल सगड़ा में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक आज अक्टूबर माह का सबसे ठंडा दिन रहा। रविवार तड़के इलाके में शुरू हुई बारिश आए न्यूज अपलोड किए जाने तक जारी रही और ठंड के चलते बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम दिखी। उपमंडल मुख्यालय सगड़ा में रविवार को अधिकतम तापमान मात्र 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को इससे 10 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान 27 डिग्री था। क्षेत्रवासियों के अनुसार तापमान में भारी गिरावट के चलते जिला की सबसे ऊंची चूरधार चोटी तथा उपमंडल सगड़ा के अन्य ऊपरी हिस्सों में हिमपात की संभावनाएं बढ़ रही है और रात के समय चूरधार चोटी पर हिमपात होने का अनुमान लोग लगा रहे हैं। इन दिनों इलाके के लगभग सभी हिस्सों में लोग प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्की को खेतों से निकाल चुके हैं और छतों व घरों के आसपास सुखाने के लिए रखी गई मक्की को आज तड़के बारिश शुरू होते ही लोग घरों में समेटते देखे गए। बारिश व कड़ाके की ठंड के चलते आज बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर बहुत कम संख्या में लोग दिखाई दिए और बसों में भी आम दिनों की तरह ज्यादा यात्री नहीं दिखे। कोरोना काल के बाद रविवार को यहाँ बाजार बंद होने अथवा साप्ताहिक अवकाश का निर्धारित दिन होने के बावजूद हालांकि आम दिनों में सभी ढाबे और लगभग आधी दुकानें खुलती है, मगर आज ठंड के चलते काफी कम दुकानें खुली दिखाई दी और जो दुकानें खुली थी वहां भी ग्राहक नजर नहीं आए। इस बारिश के बाद अब क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आमतौर पर मार्च माह तक इलाके में ठंड का प्रकोप रहता है। एमवी एक्ट की वॉयलेशन के लिए संगड़ा पुलिस ने आज किया 8 चालान। बारिश के चलते कस्बे में नहीं दिखी ज्यादा वाहनों की आवाजाही। एमवी एक्ट की वॉयलेशन के लिए रविवार को संगड़ा पुलिस द्वारा 8 लोगों के चालान किए गए। रविवार को दिन भर जारी रही बारिश के चलते आज वाहनों की आवाजाही ज्यादा नहीं दिखी, हालांकि इसके बावजूद लोग एमवी एक्ट की वॉयलेशन करते नजर आए। पुलिस द्वारा आए दिन वाहन अधिनियम के तहत चालान किए जाने के बावजूद हर रोज कई लोग संबंधित नियम की अवहेलना करते भी यहां दिख जाते हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालान के साथ साथ लोगों को एमवी एक्ट तथा कोरोना एसओपी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।